हेलो गाइस वेलकम टू सेम गेमिंग कस्टमाइज फोर के मेरा का हमारा आज का मैप है सिक्सटी सेवन प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है एंड टीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारी ट्वेंटी वन टीम्स सिक्सटी सिक्स प्लेयर्स यहाँ प्लेन पास जाएगा हमारा टोरी अहमदा की ओर से लॉस ओर सी यहाँ पे टीम्स के ड्रॉप्स क्या रहते हैं क्योंकि यहां सियांडा वहाँ पर मेजर जाती नज़र आएगी वाटर ट्रीटमेंट वैनम टीजे हमारी कैंपो मिल्टार की ओर जाती नज़र आएगी उसी के साथ बो पेकार्डो जाती है टीम रो ने मिस किया है तो शायद वहाँ पर ड्रॉप खाली होगा वो टीम नूब का एल्पोजो ड्रॉप है लेट्स सी वो जाती है वो जाती नजर आएगी उसके साथ टी डब्ल्यू न्यूज जाएगी या अपना ड्रॉप चेंज करेगी क्योंकि वो जाती है वहाँ पर लाल टीम्स ने ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिए हैं अपनी जैसे देख रहे हैं हमारी टीम टीम टीजे अपना कैम्प मिल्टार की ओर ही गई है एंड वैनम वाटर ट्रीटमेंट की ओर ही कैरी करती नज़र आ रही है ऑन द साइड टीम पोव यहाँ पे थोड़ा के... हसेंडा एंड कुरजी वैली के मिडिल में उतरी हैं एल अजहार यहाँ पे दो सोलो प्लेयर गए हैं टीम नशा के नशा काल एंड जी के ए के दोनों सोलो प्लेयर एल अजहार के अंदर आए हैं टीम आर जाते हुए सैन मार्टिन उनके साथ टीम एच फोर के यहाँ वो भी अभी आगे की कर रही है रिशायद पावर ग्रेड की ओर जाएगी या सैन मार्टिन भी जा सकती है लोस न्यूज़ में यहाँ पर टीम मेज है हमारी हिमपाला के अंदर भी यहाँ पर टीम स्किल्टन एंड टीम थर्टीन के अदनान सोलो पोर्टी पेरिसो के अंदर हमारे टीम नोमर्सीम टी डब्ल्यू एंड टीम आर टी आर ये तीन टीम्स हमारी पोर्टी पेरोसो में आई है सी एच बी ने चौसीरा अपना ड्रॉप नहीं लिया आज उनके साथ टी एस बी वहाँ पर ले उनके ही पास में ड्रॉप ट्रिन डी 20 लॉस ने इसके पास का एरिया लूट करी है पिकाडो आज रेज गई है फ्लल टीम बॉब की पहली फाइटिंग एज होती हुई वहाँ पे बॉब वर्सेस प्राचंद की फाइट होती हुई प्राचंद हैप्पी ने कजामा को नोक इन फिनिश ऑफ कर दिया है पहला किल अपना ले चुके हैं बॉब के काफी क्लोज थे यहाँ पे अपना आपको हील भी कर चुके हैं उनके पास एसकेएस है बाकी प्लेयर्स के आने से पहले शायद निकलना चाहेंगे वो फ़र्कस यहाँ अपना बग्गी लेके आगे जाते हुए डी एस आर के ऑलरेडी वहाँ पर क्लोज़ करते हुए शायद हैप्पी के लिए मुश्किल होने वाली हैं यहाँ गन ढूंढने का ट्राई वो कर रहे हैं बट गन उनको मिलने वाली है नहीं डी एस आर के एंड फ़र्कस ये दो प्लेयर्स जाते हुए क्लोज में ऑन अदर साइड मर्सी भी आते नजर आ रहे हैं तो शायद यहाँ तो वो फाइट लेते हुए नज़र आएगी प्राचंद के हैप्पी से पूरा ओपन में स्पोर्टेड होंगे वो या बिल्कुल पूरा ओपन में बैठे हैं यहाँ पे विन 94 के साथ नोक निकालेगा ट्राइवर्ट मर्सी जो पीछे से आए हैं एम टू फोर के साथ वह प्रचंद हैप्पी को कर चुके हैं स्पॉट एम टू फोर के साथ अपना शॉट देने का ट्राई करेंगे प्रचंद हैप्पी पूरा ओपन में स्पोर्टेड है बॉफ के फर्कस ने एन डी एस आर के ने काफ़ी लोगों ने कर दिया है बाकी प्रचंद की टीम कितनी देर में क्लोज़ करेगी उन्हें वो देखना होगा फर्स्ट एड ओपन अपने कर ली है प्रचंद हैप्पी ने पीछे से जस्ट उनके मरसी आ रहे हैं वहाँ पे एम टू फोर का फटका वो उन देने के लिए बिल्कुल तैयार है अपने रेड रोड से बहुत ज़्यादा लो कर दिया हैप्पी को पांच बैंडेज मात्र बचे हुए हैं प्रचंद हैप्पी के पास बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन अब वो फ़र्क ऊपर से जम्प करके खुद नोक हो गए ये एक मुश्किल सिचुएशन उन्होंने वो के लिए डाल दिया है डी एस आर के अपर साइड ही हैं डी एस आर के भी वहाँ से जम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनका एक प्लेयर ऑलरेडी वहाँ से नोक हो चुका है फिलहाल नीचे आते हुए प्रचंदी दे मर्सी को नोक करेंगे उनको एंड फिनिश ऑफ भी डाल देंगे और फरकस रिवाइव भी हो जाएंगे टीम वो अपना रिवेंज हाथों हाथ लेती हुई टीम आर वर्सेस नूब देखने को मिल रहा है सैन मार्टिन में टीम नूब है नूब एमगोड बॉयका एंड पोटेंट वाइटी एर कैलस को डाउन किया है रिवाइव देने के लिए ली टोपी ने उनको स्मोक कर दिया है फविया एंड एरियल के साथ लाल अंदर आते क्लोज में आते हुए एरअली एर, एर टोपियाँ स्पोर्ट यहाँ हो चुके थे नूब के प्लेस ने स्प्रे उनके ऊपर दिया था और क्लोज भी करते हुए टीम नूब लालली टोपिया पर साइड जाते हो कैलस नीचे ही डाउन पड़े रहेंगे लेट्स सी वहाँ पर फाइट किस तरीके से डील करने वाली है यहाँ पर एरअल टोपी वन विद रचुएशन होगी नोट इजी टास्क फॉर एरली टोपी टीपीपी लिए बैठे हुए हैं एयर नीचे ही डाउन पड़े हुए हैं जैसे मैं बोला एरियल एंड फविया पीछे से कवर फायर भी देना कर, पूरे कोशिश कर रही है यहाँ पे यहाँ बिल्कुल नेट को कर स्मोक था यहाँ पे प्री स्मोक करती हुई वो फविया आगे की ओर जाती हुई और क्लोज़ करती हुई यहाँ पर फभिया यहाँ पोटेंट एंड वाइट एयर एरियल को डाउन करेंगे बॉय का उनके साथ सामने फविया के क्लोज में है वहाँ पे पोट एंड वाई टी पूरा ओपन में आते हुए और फिर उनको करेंगी डाउन विद डाउन विद आई एम फोर सिक्सटीन इस्टी फिनिश ओ भी कर देंगी क्योंकि वहाँ पर कैलस भी जा चुके थे एक एम्पे स्विच या पोट एंड वाई टी को बहुत ज़्यादा लो कर दिया था बट मेजर इस फाइट में इंगेज होगी अब यार टीम नूम के नूप के प्लेयर्स यहाँ मेजर बहुत जल्दी हसैंडा लूट करके आ चुकी है शायद आज उन्होंने लूटा नहीं है सेंट मार्टिन की एक फाइट अभी अभी निपटी थी एक प्लेयर नीप का जा चुका है लेकिन सॉलेहे वहाँ पे स्पोर्ट कर चुके हैं नूब फोट एंड वाइटी को और क्लोज करते हुए नजर आएंगे टीम नूब के ऊपर यार नहीं अभी के लिए देखना होगा फिलहाल साले यहाँ पे स्मोक करते हुए यानी कि सॉले आगे जाना चाहते हैं फिलहाल हम बाोटीन ले कर बैठे हुए हैं एजम एंड जैद क्लोज के लिए जा रहे हैं ट्वेंटी <laughs> टीम फिफ्टी सिक्स प्लेयर्स हमारे अलाइव हैं अभी के लिए और टीम मेजर क्लोज जाती हुई है नशाकाल जो सोलो थे वहाँ पर जे टी आर ए के भी सोलो थे जी टी आर ए के नशाकाल को फिनिश ऑफ कर देंगे अल अजहार के अंदर नाइनटीन टीम्स फिफ्टी फाइव प्लेयर्स हमारे बच्चे हुए हैं द साइड टीम नंबर डी एम बी है जो मसीरा के पास वाला एरिया लूट कर रही है वेल डेलमार्क टी एस पहुँच चुकी है लूट करने के लिए और साइड टीम एट्टीन काफ़ी एज एज लूट कर रही है टीम एट्टीन की बात करूँ तो मैं एक फाइट यहाँ पर हमारी सेंट मार्टिन के अंदर तो कंटिन्यू रहेगी नोक की टीम एटीन का कोई प्लेयर है डांस भी करता हुआ नजर आया था टीम नूब वर्सेस टीम मेजर नजर आएगा टू वी फोर सिचुएशन होगी सैन मार्टिन की फाइट काफी देर चलने वाली है इस बार <coughs> चलते हैं हम ठनसर बॉय की ओर आर टी आर रुपया थे शायद जो करते हुए नजर आ रहे हैं टी डब्ल्यू एंड टीम नो मर्सी की फाइव डी एम का वाइंग का टी डब्ल्यू चंदन ओपी ऑलरेडी ले चुके हैं तो नो मर्सी के फ्रंट टायर अकेले बचे हुए हैं अब अपना अभी वाटर ट्रीटमेंट का पूरा एरिया लूट कर रही है और मेजर वहां पे क्लोज करती हुई टीम लूप के डुओ के ऊपर नूव एम गॉड एंड पोट एंड वाई टी के ऊपर मेज़र तो क्लोज में आ चुकी है काफ़ी ज्यादा इज़म साले एंड साले भी थोड़ा दूर है हम्मा भी दूर हैं बगी लेके साले भी क्लोज़ करना चाहेंगे बिल्कुल वहाँ से स्वाले भी एंटर होते हुए फाइट में हमाद भी जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं उनको फिलहाल टीम नूप का डुओ सामने ही मौजूद होगा उनके अब टू वी फोर फाइट टीम नूब के लिए होगी हमारे अभी भी ऊपर से दे रहे हैं मिनी फोर्टीन के साथ <coughs> पहला एयर ड्रॉप हमारा आ चुका है नॉर्मल ड्रॉप एयर ड्रॉप नंबर वन जिसके अंदर है रोजा लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट एयर ड्रॉप नंबर वन के अंदर जो दोनों काफी लॉस न्यूज एंड उसके बीच में फिलहाल सी एच बी वर्सेज टीम डी एम होता हुआ डी एम राइजा गेट नोक डाउन एंड टीम डी एम के ट्रियो ही यहाँ पे मौजूद है सी एच बी का तो ट्रियो ही खेलता नजर आ रहा है वेजी टोपिया का इनपुर वो भी

पीछे शायद जाके रिवाइव देना चाहेगा मिस्टर ओस्कर को बट आई थिंक सी एच पी उनका रिवाइव होने नहीं देगी इतनी आसानी से यहां एक पोजीशन में वेजिटो ओपी ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरा फ्लैंग करके टॉक्सिक राइडर पहुंच चुके हैं मिस्टर ओस्कर को रिवाइव देने के लिए अभी के लिए तो वो रिवाइव भी दे रहे हैं सी एच भी अब मालूम नहीं है सामने कितने बंदे हैं डेट्स वाई उन्होंने स्लैम किया नहीं फिलहाल हम मा दें पोट एंड वाइट को डाउन कर देंगे जी हाँ बिल्कुल यहाँ पोट एंड वाइट नूब के पोट एंड वाइट डाउन हो चुके हैं तो टीम मेजर का क्लोज आने वाला है बिल्कुल आएगा क्लोज चारों ही प्लेयर्स मेजर के क्लोज में आते हुए नूप एम गॉड पूरा एम लेके बैठे हुए हैं प्री स्मोक करते हुए यहाँ पे बट मोलोटोल उनके ऊपर भी आ चुका है जहाँ मोलोटोल आ चुका है सामने मेजर का स्क्वाड नो नो एम गेट के ऊपर करेगा पुशिन को ट्राई ही नहीं किया नो एम एमगोड ने आ, मेजर के प्लेयर्स चारों ही प्लेयर्स अंदर आते हुए सामने मेजर जैद स्पोर्टेड है जैब का बनवी वन होता हुआ है यहाँ पे काफी आगे की ओर और, और जैद ने वो किल ले लिया है अपना टीम मेजर के प्लेयर्स को मिलेंगे यहाँ पे दो किल पहली फाइट वो अपनी निकालते हुए हमद के पास एक जैद के पास एक 18 टीम्स 52 प्लेयर्स हमारे अलाइव रहेंगे अब एयर ड्रॉप नंबर 2 जो फ्लेड मंगाया है टीम 16 यानी कि स्केल्टन ने मशीन गन एम के लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट एंड 4x के साथ सॉरी अदनान सोलो प्लेयर ने मंगाया है वो अदनान ने शायद से यहां सोलो प्लेयर अदनान ने वो ड्रॉप मंगाया है और ड्रॉप भी ऐसी जगह आया है जहां पे लूट करना शायद इंपॉसिबल है <coughs> यहां इंपॉसिबल जगह फिर ड्रॉप आके रुका हुआ है लेकिन अदनान जो सोलो हैं उनके ऊपर टीम स्केल्टन का डुओ स्केल्टन मुन्ना एंड स्केल्टर बेनू और क्लोज करते हुए फिलहाल एच की एच जूनियर्स की फाइट यहाँ पर टी एस के साथ शायद इंगेज हो रही है जी हाँ टी एस के प्लेयर्स ने एक डाउन किया था सॉरी रिवेज के साथ ही है एच अली तो डाउन हो चुके हैं रिवाइव हुआ दिया जा रहा है सादिक के द्वारा वो रिवाइव भी हो चुके हैं और टीम रेस क्लोज करती हुई जी हाँ यहाँ पे एम सिक्सटीन एंड शॉर्ट गन है शादी के पास और अभी के लिए ऊपर साइड लेते हुए वो और हिटमैन क्लोज करते हुए अर्चू के पास है बैरल एंड एस ट्वेल्व के फिलहाल रेज में जा चुके हैं अदनान वाइस स्केल्टर मैन को डाउन करेंगे वन वी टू फाइट में है वो फिलहाल अली दुर्ग सामने स्पॉट एट हेट को नोक करेंगे हेट इन फिनिश ऑफ डाल लेकर ट्राई विद अ पैन करते हुए हेट मैन गन टकाज नहीं फिनिश ऑफ किया है गन से ऑन द अदर साइड स्किल्डन की फाइट कहाँ थी? अल तो S12 के, के साथ अर्शु निकालेंगे एक नौक रेज हिटमैन वाइटीगेट नौक डाउन वाय S12 के से यार लोड करते हो अपनी S12 के को और क्लोज में यहाँ पर टीम आएगी शायद या नहीं अभी नीचे ही जाना चाहते हैं अर्शु भी यहाँ ये एक अपर साइड आके TS तकाज बहुत अच्छा काम करके गए ज डीजल जी हाँ रेज डीजल ने वो चीज़ बहुत अच्छा करा एंड एक अप, अलग साइड से एंट्री लेकर टीम रेज करती हुई एच फोर के जूनियर्स का फिनिश ऑफ थ्री किल्स उनके नाम हो चुके हैं फिलहाल मेजर अपनी सेकंड फाइट लेते हुए नज़र आ रही है वैनम वर्सेस मेजर वैनम के एक प्लेयर को डाउन किया था मेजर ने बट मेजर एज एम ऑल्सो गेट नॉक डाउन काफ़ी क्रुशल फाइट मेजर हम माद या फिनिश ऑफ करेंगे वैनम सैजी को दोनों ही टीम्स काफ़ी क्रुशल फाइट लेते हुई इस गेम के बाद इन टीम्स का पाकिस्तानी स्क्रीन पाकिस्तानी टूर्नामेंट में भी पी एम में गेम है फिलहाल एजम लोग पड़े हुए हैं रिवाइव देखते हैं कितनी देर में मिलेगा फिलहाल सोल ही यहाँ पे मेजर वैनम फैजान को डाउन कर चुके हैं लेकिन मेजर जायद वैनम सात को डाउन कर चुके हैं वैनम हंटा रिजा लास्ट मेजर ऑफ टीम वैनम मेजर पूरा डोमिनेटिंग गेम प्ले अपना दिखाती हुई फिलहाल इस गेम इस फाइट में भी काफ़ी क्रूशल नोकस एंड फिनिश ऑफ्स भी लेती हुई मंटर अकेला प्लेयर बचा हुआ है स्प्रे डाउन कंटिन्यू रख रहा है वो और अभी के लिए फ्लाइंग भी उसका चालू है शायद से फैजान को बचाने का ट्राई रहेगा अभी मंटर की ओर से लेकिन सवाल जस उनके सामने है बगी लेकिन निकल रहे हैं शायद ऐसे जी हाँ वहाँ से निकलते हुए फैजान यहाँ साले बनते हुए सैलमोन भाई से प्राणित होते हुए वो और फैजान को वह बस फिनिश ऑफ करते हुए सी एच बी आप पूर्व टॉक्सिक राइडर को डाउन करेंगे यानी कि सी एच बी अपनी फाइट कंटिन्यू रखना चाहेगी उन टीम डी एम के साथ टॉक्सिक राइडर डाउन हुए हैं मिस्टर उसकर अकेले बचे हुए सी एच बी का ट्री उनके ऊपर क्लोज़ करता हुआ नजर आएगा आकाश भी टॉक्सिक राइडर का किल कंफर्मेशन भी ले चुके हैं और अक्सर उसकर् की बात करूँ तो चार बैंडे जिसके अलावा उनके पास कोई हीलिंग का सामान है नहीं फिलहाल पूरा ओपन में आते हुए पूर्वी यहाँ यू जी के साथ उसका डाउन करेंगे उनको एंड शायद से फिनिश ओपी डालना चाहिए

एड ऑफ नंबर फोर जो एक और नॉर्मल ड्रॉप है ओम ओग लेवल ओम लेवल थ्री हेलमेट पैक, पैक किस साथ आया है देखते हैं कौन उठाया है टीजे या टीम प्रा टीम थर्टीन का जो अदान है वो अकेला ही तीन किल्स उठा चुका है एक किल जीटीआर आर ए का उड़ाया था दो किल्स टीम स्केल्टन के उड़ाए थे यहाँ अभी तक वन अकेला सोलो प्लेयर अभी वन वी वन वन वी टू फाइट निकाल चुका है ओन अदर साइड वैनम के हंटर यहाँ पे अकेले सरवाइव बच के गए थे यहाँ से बट शायद से नहीं शायद उसका किल मेज़र ने ले लिया जना बिल्कुल अब तो फिनिश ऑफ हो चुके हैं तो किल शायद ले लिया है मेज़र ने सिक्स किल मेज़र के हो चुके हैं जी हाँ चार यहाँ वैनम के उठाए हैं उन्होंने और दो किल्स उठाए थे उन्होंने टीम नूप के 14 टीम 39 प्लेयर्स उनके हैं टीम मेज वर्सेस टीम टीडब्ल्यू देखने को मिल सकता है टू वी 2v4 5 टीम मेज साकेत वर्थ क्रिमिनल स्टार्ट किंग ऑफ मेज जहां स्प्रे बढ़ाया टीडब्ल्यू की ओर से जरूर टीडब्ल्यू निंजा ओ पी के पास यहां पे एम फोर है एंड जोकर ओपी के पास भी एम फोर है किंग ऑफ में इसको वो भी सिक्स एक्स के साथ इस पर दे रहे हैं बट उनको भी पड़ेगी यहाँ से जो करोपी नोक होते नजर आ सकते बटे बट इंस्टेंटली प्रोन उनको बचा के लेके गया है टी डब्ल्यू के चंदन ओपी नहीं दिख रहे शायद वो ऑफलाइन है जी हाँ बिल्कुल एक व्हीकल उनके लिए खड़ी करी गई है और शायद चंदन ओपी मेरे स्विच करते ही ऑनलाइन भी आ गए हाँ बिल्कुल चंदन ओपी एंट्री ले चुके हैं अब यहाँ जो अपनी टीम्स को भी जो इन जल्दी से वो करना चाहेंगे <coughs> नो मर्सी के फ्रंट टायर अभी सोलो हैं और वो सोलो ही रोटेशन डालते नजर आ रहे हैं दर साइड टीम टी जे का ट्रियो हमें नज़र आ रहा है जंग के के पास होल्ड करते हुए नजर आएंगे वो एंड यहाँ पर टीम प्रा क्या डू ओ भी प्रचंद तो पहले ही जा चुके हैं प्राचंद नवानी एंड दीपक दीपक बोल दो भाई

एंड कल चिकन भी उन्होंने इसी वे में निकाला था फिलहाल टीम मैच के प्लेयर का नाइट डेट का फटका देंगे टी डब्ल्यू के प्लेयर जोकर ओपी को शायद से एंड क्लोज भी करते हुए नजर आ रहे हैं उनके प्लेयर्स क्या निंजा ओपी को नोक किया था बट इंस्टेंटली जोकर ओपी उनको रिवाइव तो दे चुके हैं और चंदन ओपी उनको अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं चंदन ओपी का नेट इशू लग रहा है मुझे फिलहाल निंजा ओपी हील कर चुके हैं अपने आप को एंड स्प्रे भी कंटिन्यू डाई कर डाउन कर, करेंगे किंग ऑफ मैच की तरफ से ओक का स्प्रे आया था उनकी और और फ्लाइंग भी टीम्स का जा रहा है प्लेयर्स का जा रहा है क्रिमिनल स्टार जस्ट उनके बैक साइड से फ्लैग लेकर आ चुके हैं पोजिशन जो क्रिमिनल स्टार ने पकड़ी है वो मुश्किल में डालेगी टी को हर तरफ से उन्हें पड़ने वाली है जिस पूरा सर्कल के अंदर उन्हें लेना चाहते हैं लेकिन एच डी वर्थ को अदनान का स्प्रे पड़ेगा काफ़ी लो किया है उन्होंने टी डब्ल्यू जोकर ओपी का भी वहाँ पे ज़्यादा हुआ बग्गी के साथ निकलने का ट्राई टी डब्ल्यू ओ पी का वहाँ से रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसे हुए थे जोकर ओपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है पीछे सर्वाइव करना स्प्रे उन्हें कंटिन्यू पड़ रहा है काफ़ी लो उन्हें कर दिया गया है लेकिन यहाँ से टी के प्लेयर्स अभी के लिए सेफली होते हुए एडम नंबर फाइव नॉर्मल ड्रॉप हमारा मशीन का लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट पैक के साथ आएगा अदान जो सोलो प्लेयर था किंग ऑफ मेज उसको फिनिश ऑफ करेगा टीम मेज अपना पहला केल उठा लेगी इसी के साथ टी डब्ल्यू भी हम हाँ, पाला की साइड से अपने आपको हील करके जोन में रोटेशन डालेगी वो मिड ऑफ द सर्किल जा चुकी है टीम ट्वेंटी के प्लेयर्स एंड टीम प्रा सॉरी टीम ट्वेंटी एंड टीम आरटीआर के दोनों प्लेयर्स के दोनों टीम्स का रोटेशन लगभग साथ ही है आगे पीछे ही है टीम सीएचबी के आकाश ओपी जा चुके हैं शायद उनके पास व्हीकल नहीं है जस्ट उनके नीचे टीम सेवनटीन का पूरा स्क्वाड है आकाश ओपी अभी के लिए होल्ड करेंगे वेजीटॉप ही शायद से यहाँ पे व्हीकल के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पीछे आ गए वेजीटॉप हीलिंग के नाम पर तीन फर्स्ट एडीज जरूर है लेकिन दस सेकेंड बाद डैमेज काफी बढ़ जाएगा शायद से उन्हें व्हीकल भी दी गई है ड्रॉप है उनका जो मसीरा शायद उन्हें मालूम है वहाँ पर व्हीकल रहती है शायद उसी की वजह से उन्होंने इतना लिया है नहीं वहाँ पे एक वीकल खड़ी है वहाँ पे अभी तक अभी ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे टीम टी आर की आ सकती है बट लेफ्ट में जस्ट आकाश हो पीते हैं वहाँ पे और व्हीकल उनके पास है नहीं विदाउट व्हीकल आगे जो उन तक आए हैं वो लेकिन टीम ट्रिंटी उनका वेट कर रही है होल्ड कर कर हो सकता है वहाँ से जो उनको प्रियोरिटी ज़्यादा देती है ट्रंटी विदाउट फाइट किए भी निकल सकती है या क्लोज करके निकल सकती है क्लोज करके फाइट लेके ही निकले अभी तक तो जोन उन कटना शुरू किया नहीं है ट्रिंटी का दैट्स इट्स वाई वो अभी होल्ड कर रहे हुए हैं आकाश वो भी थोड़ा स्पॉटेड हुए थे ट्रिंटी का स्प्रे उनके ऊपर आया ज़रूर है और शायद से ट्रिंटी या क्लोजिंग करती जाएगी लेकिन आकाश आकाशों पर डांस करते हुए हैं जी हाँ डांस इमोट चलता हुआ इक्र डांस इमोट फ्राड मेजर वर्सेस वर्सिस फाइट होता हुआ प्रचंद नवानी ने मेजर एजम को नो कैन फिनिश ऑफ इंस्टेंटली कर दिया है नवानी अकेला ही प्लेयर बचा हुआ है और स्प्रे डाउन कंटिन्यू कर रहा है वो मेजर के ऊपर मेजर जैद की के एम का होता हुआ, लेकिन और यहाँ से मेजर जैद उनको अभी फिनिश ऑफ कर देंगे टीम परा को एलिमिनेट करते हुए मेजर जैद के दो किल्स थ्री किल्स होते हुए हमाद के दो साले का एक मेज़र एजम जो वहाँ से दो किल्स लेकर अभी के लिए फिनिश ऑफ हो चुके हैं यहाँ प्रचंद नवानी ने नोक एंड इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया था मेज़र एजम को थ्री मैन स्क्वाड के साथ मेज़र लाइव रहेगी ट्वेल्थ टीम थर्टी फाइव प्लेयर्स हमारे बच्चे हुए हैं जोन बन चुका है लोसनियस की और बॉब को फेवर करेगा इस बार जोन एंड ट्वेंटी का जैक रुके हुए हैं फॉर यहाँ पर सी एच पी के आकाश ओपी के लिए आकाश ओपी की कंटिन्यू वोट आउट ऑफ द जोन चल रहे हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा बट पीछे से सी एच पी वी जी टो ओपी आ रहे हैं शायद उनको ही वो पिक करके वो आगे जोन में जाना चाहेंगे व्हीकल्स के साथ डैमेज लेकिन काफी पड़ रहा है वह जी टो ओपी को फर्स्ट एड पोपिन करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेंगे वो और वो, वो चीज़ करते हुए रुक कर फर्स्ट एड पोपिन आकाश ओपी के पास एक ही फर्स्ट एड है वो भी जल्द से अपनी फर्स्ट एड यूज करेंगे हाफ एच पी कम होने के बाद शायद जोन उनके सामने ये ज्यादा दूर है नहीं लेकिन ट्वेंटी शायद है जब जो तक जोन वेट करेगी पीछे से काश ओपी के आने का वो शायद वो तो अपना जोन जोनशन डाल चुकी है अदर साइड टीम आरटीआर के डुओ लेकिन मैन ट्रेंडी जो हमारे है किंग ऑफ मेज वर्सेस वो बहता हुआ मेज के प्ले, किंग ऑफ मेज के प्ले बो मर्सी को नोक एंड फिनिश ऑफ करेंगे वो फर्क कर्सेंट डी एस आर के दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं टू वी फोर फाइट लोज ने उसका मेन कंपाउंड्स जी हाँ मिडिल ऑफ द जोन जो अभी के लिए जोन काफ़ी फेवर किया था बो को वहाँ पे एक प्लेयर का अपना खो दिया है फिलहाल डी एस आर के भी काफ़ी दूर है और दो प्लेयर्स क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं मेज साकेट एंड किंग ऑफ मेज टी डब्ल्यू जोकर का गिन्ट जो जी टी आर ए के को लेकर जाएगा टीडब्ल्यू के प्लेयर्स टीम टीजे वर्सेस मेजर देखने को मिल सकता है रोटेशन के ही बीच दोनों ही टीम्स का रोटेशन एक दूसरे के काफी करीब का और वही चीज हुई टीजे मेजर मेज़र होता हुआ जैद नॉकडाउन हो चुके हैं यहाँ पे टीजे की और डेड शॉट की ओर से गब्बर यहाँ इंस्टेंटली ओम का फटका जैद को देते हुए और फिर निचो भी करते हुए अपना पहला किल लेते हुए गब्बर बीस सेकेंड मात्र बचे हुए हैं और टीजे यहाँ से निकलना चाहेगी मेज़र भी निकलना चाहेगी फिलहाल पहले तो टीजे ही निकलना चाहिए तभी वहाँ से मेज़र निकल पाएगी क्योंकि मेज़र के प्लेयर्स थोड़ा नीचे नज़र आ रहे थे बोर्ड डी एस आर के ऊपर क्लोज इन होता हुआ टीम किंग के प्लेयर्स का टीम मेच के प्लेयर्स का एंड मेच के प्लेयर्स आते हुए फर्कस से नीचे क्लोज हो चुका है डी एस आर के नीचे ज्वाइन करते हुए किंग ऑफ मेच को स्पोर्टिट कर लिया था डी एस करेंगे नो करेंगे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करेंगे नीचे यहां पे वो फर्कस नोक फिनिश ऑफ हो चुके हैं बैंडेज स्मोक इन जा रहे हैं डीएसआर के ए के एम के साथ यहाँ पे अंदर जॉइन कर चुके हैं डीएसआर के, के पास सेकंड जो है स्नाइपर है वो थोड़ा बीटी सिचुएशन होगा जी हां बिल्कुल एम4 पे स्विच कर चुके हैं तीन प्लेयर्स उनके ऊपर स्लैम करेंगे क्लोज करेंगे तीन प्लेयर्स और आ चुके हैं मेरे सखेत भी अंदर क्या एम है उनके पास ज्यादा करेंगे इंस्टेंटली क्रिमिनल स्टार को दस एम है उनके पास गन जाएगी रिलोड टीम में जहाँ पे निकालेगी बोब को एलिमिनेट करेगी एक अच्छा ट्राई डी एस आर के की ओर से फिलहाल ट्वेंटी ब्लीस डाउन करेंगे सीआर जी वेजीटो ओपी को आकाश ओपी अकेले प्लेयर बचे हुए हैं अभी के लिए रिवाइव देने देगी या नहीं बिल्कुल नहीं भाई ट्वेंटी अपने लास्ट जोन में किल उठाने में काफ़ी सक्षम है लेकिन यहाँ पर टीम रेज हिटमैन वाइटी ने उनका किल लिया है नाइनटीन टी नाइनटीन ट्वेंटी सेवन प्लेयर्स बचे हुए हैं मेज़र की बात करूँ तो हम मेज़र हम्मा एंड साले ये दोनों ही प्लेयर्स अपने डुओ अभी के लिए सर्वाइव रहेगा जैदवी और टीजे की ओर से फिनिश ऑफ कर दिए गए थे जोन का डैमेज काफ़ी पड़ने वाला है मेज़र को जोन में रोटेशन उनका आ रहा है जोन उनके सामने नजर आ चुका है और यहाँ डैमेज की बात करो तो देखिए कितना डैमेज पड़ रहा है यहाँ पर शायद से यहाँ पर नोक हो सकते हैं हम

क्या बीटी हो रहा है यार जी हाँ टीएस के ऊपर फाइट निकाल ली है फ्लाइट तो टीजे ने एंड टीम रेज के प्लेयर्स क्लोज करते हुए जोन के अंदर फाइट लेते नजर आ रहे हैं यहां पे पता की लीजिए पिंग भी सही है नाइन्टी टू पिंग है फिर भी पहला गेम करप्ट हो गया अब गेम चलना रहा किसी पे भी स्विच कर लो किल फील्ड सही चल रहा है बस और रहमान ने टी का एक नोक किया है सेट होती है प्ले जोन से रेज के स्टाइल ने लास्ट के लिया है मेजर के सवाले का टीजे के प्लेयर्स ने यहाँ पे न्रे... मेज के फास्ट फाइटिंग एड हुई है यहाँ टीजे का एक प्लेन ओकन फ्री शॉप कर दिया मेजर क्रिमिनल स्टार डाउन है वर्थ एंड मेज साकेत ही बचे हुए हैं है। मैजिशियन एक्सडी वर्थ को डाउन करेगा

टीम ट्वेंटी के लिए टेंटी जैक वहाँ स्पोर्ट करना चाहते हैं नहीं चाहिए एच के प्लेयर्स के साथ गिनेट यहाँ तक कर चुके हैं लेकिन ट्वेंटी फेयर को डाउन करेंगे या समीज साकेत राइट हैंड साइड से आ तो चुके हैं साकेत साकेत स्पोर्ट डेटते हैं लेकिन साकेत या जैक को भी डाउन कर चुके हैं बैक टू बैक दो नोक साकेत की ओर से देते हुए टेंटी को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालते हुए टीम एच के प्लेयर्स साकेत हिल करने रुके हैं वहाँ पर नोक होते नजर आ सकते हैं प्ले जोन से टेंटी के ऊपर यहाँ मुश्किल पैदा करने के लिए आ चुके हैं फिलहाल वर्थ के लेफ्ट हैंड साइड से आते हुए था ट्वेंटी के प्लेयर्स टीम और उस चीज़ का फ़ायदा वहाँ पे उठाते हुए अपर हिल का फायदा एक्सडी वर्थ उठाते हुए टीम मेज के ट्वेंटी कैरी अकेला प्लेयर बचा हुआ है टीम एच की बात करें तो स्टैनर डाउन पड़ा हुआ है क्रिमिनल स्टार का किल कन्फर्मेशन भी यहाँ पर टकास करते हुए टीम रेज का किल एट्स होते हुए और रेज एटम ट्वेंटी डीन का किल कन्फर्मेशन लेंगे ट्वेंटी फेयर का किल लेंगे यानी कि रेज के किल होंगे यहाँ पे नाइन किल्स टीम मेच का दोओ बचा हुआ है अपर हिल है उनके पास बस जोन नहीं है ट्वेंटी कैरी अकेला प्लेयर है और जोन भी नहीं है तीस सेकेंड मात्र बचे हुए हैं वेज का डुओ वेज का डुओ है जो नहीं है आगे जाना होगा फ्लॉ रेच के प्लेर्स के ऊपर शायद अगर ये स्मोक है तो सही है वरना गिनेट होता तो मुश्किल होता इस स्टैनल के लिए बचना या स्टैनल बच गए तो थ्री वी थ्री वी वन वी टू होगा तो रेज के लिए आसान होगा ये चिकन निकालना थ्री टीम सेवन प्लेयर्स बचे हुए हैं हिटमैन मैन का पूरा परफॉर्मेंस ओपी चलता हुआ सेवन किल्स उनके हो चुके हैं एक्सिटी वर्थ को पूरा यहाँ पे नेट नीचे डालते हुए नजर आ गए एटमेन वाई को वहाँ पे स्पोर्ट किया एंड नोक भी कर दिया और फिनिश ऑफ भी वो हो जाएंगे रिवाइव देने के लिए वहाँ पे रुके रुकेंगे प्लेयर तो नोक हो जाएंगे एटमेन वाई को इस बार स्पोर्ट करेंगे मेज सके उनको डाउन करेंगे टिट कैरी के साथ भी वन भी वन इनका देखने को मिल सकता है लेकिन उससे पहले ये एक्ससी वर्थ को यहाँ फिनिश ऑफ करेंगे स्टैनल स्टैनल के सामने होंगे मेज साकेत और स्टैनल ऊपर आने का ट्राई करेंगे नेट के साथ कुक करेंगे टिट कैरी नीचे से नीचे जाना चाहते रहे स्टैनल को भी डाउन करेंगे मेज साकेत टेन एच खुद भी बचे हुए हैं टिट कैरी हील के लिए जाया गया बेहतर है टी एस तकास को भी डाउन करेंगे मेज साकेत रेज इट मैन वाई अपने फर्स्ट एड पोपिन करते हुए और वो फर्स्ट एड पोपिन हो चुकी है लेकिन उसको भी फिनिश ऑफ करेंगे मेज साकेत मेज साकेत ओपन द चैट गाइस। वन वी थ्री कर चुका है ये टिंटी कैरी के साथ वन वी वन फाइट में मेज साकेत को आके मेज साकेत उसको भी फिनिश ऑफ कर देगा यहाँ टीम मेज गेटर चिकन डिनर मेज साकेत के पास एट किल्स हैं एंड टोटल किल्स ट्वेल्व टीम मेज गेटर चिकन डिनर ट्वेल्व किल्स ओपी गेम प्ले हुआ टीम मेज किंग ऑफ मेज स्टार एंड साकेत एंड वर्थ सेकंड पोजीशन पर आती हुई टीम ट्वेंटी विद टू किल्स टीम रहे जाते हुए थर्ड पोजीशन में विद किल्स टीम टी जगह एट फोर्थ पोजीशन विद किल्स टीम मेजर आते हुए फाइव फिफ्थ पोजीशन पर विद नाइन किल्स टीम टी डब्ल्यू आती हुई सिक्स पोजिशन पर थ्री किल्स के साथ दें टीम नो मर्सी एंड बाकी टीम हमारी